गुड मॉर्निंग, हेलो, नमस्ते, दिस इज योर विकास क्लब। वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल विकास के एंड्रियन, वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और आज सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज है गणेश जी की स्थापना, तो आज अपन लेने जाएंगे बांसवाड़ा गणेश जी की प्रतिमा। मैं जाऊंगा, नन्नू जाएगी, साथ में गेल भी आएगा और अपना गोटी चिया। तो कार लेके जाएंगे, एक उत्सव की तरह उसे मनाएंगे, मतलब सेलिब्रेट करेंगे। और बस बहुत कुछ फन होने वाला है, बहुत कुछ मजा आने वाला है, तो बने रहिएगा व्लॉग में। तो इधर हमारे गेल और युक्ति भी रेडी हो चुके हैं। सो हाय नन्नू, हाय, चले। तो गोटी को कॉल किया, तो चलिए गोटी को आगे जाके रिसीव कर लेंगे। अभी चलते हैं यहाँ से। चलिए चलते हैं गणपति बप्पा मोरिया। तो अभी जाएंगे सीधा गोटी के घर पे, गोटी को रिसीव करेंगे और वहां से सीधा निकलेंगे अपन बांसवाड़ा, ब्यूटीफुल नजारों के साथ। तो लो जी, फाइनली पहुंच चुके गोटी के घर और गोटी को रिसीव कर लिया। तो गोटी हाय कर दो। तो आज है गोटी का अपने बर्थडे और गणेश चतुर्थी भी, और साथ में प्रीतेश भी आ चुका है। तो निकलते हैं अपन फटाफट प्रतिमा लेने के लिए। तो फिर से एक बार गणपति बप्पा मोरिया। वैसे आज बड़े दिनों बाद व्लॉगिंग का मूड बनाया है अपन ने, मतलब आपसे मिलने के लिए आ गए हैं। काफ़ी लंबा समय हो गया, लगभग एक महीना हो गया अपन ने व्लॉगिंग तक नहीं की, मतलब कैमरा उठाया नहीं, हिम्मत ही नहीं हुई। उसके पीछे के कई रीज़न थे, मैं उन रीज़नों को अब शेयर नहीं करना चाहता। बस आपसे मिल लिया, मेरी तबीयत खुश हो गई। इससे ज़्यादा अपने को क्या चाहिए भाई लोग। कुछ ही देर में पहुँच जाएंगे अपने गणपति बप्पा के पास। तो आ गया अपना स्टॉप, यहीं से अपन लेंगे गणेश जी की प्रतिमा। भीड़ देख रहे हो, बहुत सारे गणपति बप्पा, बहुत सारे। तो यहीं कहीं अपन गाड़ी पार्क में लगा देते हैं, पहले घुमा लेते हैं ना। तो गणपति बप्पा मौर्या, चलिए पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे। हमने ले लिए हैं हमारे गणेश जी, गणपति बप्पा मोरिया। गोटी मोरिया कर दो बिट्टू, ये छोटे से बाल गणेश। तो गाइस, ज्यादा समय ना गवाते हुए हमने ली है ये प्रतिमा, छोटी सी प्यारी सी प्रतिमा। और देख रहे हो भीड़ आप, तो आज देखो भीड़ चारों तरफ और ये सामने बहुत सारी प्रतिमाएं, छोटी छोटी प्रतिमाएं यहाँ पे, भगवान खुद बिक जाते हैं दूसरों का पेट भरने के लिए। पार्टी यहाँ पे खड़ी है। तो अभी हुआ था गेल का मूड पानी पूरी खाने का, लेकिन वो कैंसिल करके खाएंगे अपन डोसा, मैं नहीं, इनको खिलाना है। गोटी क्या खाना है ये बता दे फटाफट। डोसा, मसाला डोसा। वैसे क्या अपना मूड नहीं था डोसा खाने का, लेकिन यहाँ आके मूड हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो खुशबू आ रही है ना वो अलग ही लेवल की है, तो मूड अपना भी बन ही गया। तो यहाँ पे वेट हो रहा है अभी, यहाँ पे आ चुका है हमारा मसाला डोसा, तो शुरू किया जाए। गोटी टूट पड़ो हो गोटी। मसाला डोसा बहुत ही बढ़िया था, बेहतरीन था। हो चुका है नाश्ता हमारा, अब चलेंगे वापस घर पे। क्या हुआ? हाँ, बहुत बड़े गणपति है, बता रहा है बहुत बड़े गणेश जी जा रहे हैं। गणपति बप्पा, गणपति,
हाँ वो जा रहे हैं, ये आ रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है। तो चलिए अब चलते हैं फिर से एक बार गणपति बप्पा। तो हमारे गजानन जी आगे बैठे हुए हैं, चलो फाटक बंद कर दो। तो अब चलेंगे सीधा घर पे, लेकिन उससे पहले हो सकता है कुल्फी ब्रेक, क्योंकि इनकी फरमाइश हुई है कि एक एक कुल्फी हो जाए। तो यहाँ पे अपने को ज्यादा टाइम नहीं लगा, फटाफट अपन ने प्रतिमा को सेलेक्ट कर लिया और ले जा रहे हैं गणपति पप्पा को अपने घर पे। जगह के हिसाब से, घर में जगह के हिसाब से अपन ने छोटे ही गणपति पप्पा लिए हुए हैं। तो अभी घर पे जाएंगे, गणपति पप्पा का स्वागत करेंगे, प्रतिमा को स्थापित करेंगे, शाम को आरती वगैरह करेंगे। तो ये 9 दिन बड़े ही धूमधाम से और अच्छे जाने वाले हैं। जैसे ही हम वहाँ पे गणपति पप्पा की प्रतिमा सेलेक्ट करने के लिए गए, तो वहाँ जाके बड़ा ही कंफ्यूजन हुआ कि कौन सी ले और कौन सी रहने दे। तो वहाँ जाके फिर नन्नू और चिया ने सेलेक्ट की एक छोटी सी प्रतिमा, क्योंकि हमको छोटी ही चाहिए थी। घर में जिस हिसाब से जगह है, उस हिसाब से हमको एक छोटी प्रतिमा ही चाहिए थी। तो इस हिसाब से हमारी ये प्रतिमा बिल्कुल वेल सेट है। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट पहुँचते हैं अपन अपने घर पे। तो लो जी, पहुंच चुके अपन लियो सर्कल और यहाँ पे आ चुका है अपना आइसक्रीम वाला। यहाँ पे हमारी कुल्फी आ चुकी है, एक एक ले लो फटाफट, एक एक हमको दे दो। यस, हमारे गोटी एक बार शक्ल तो बता दे यार। वाओ, मजे लो। तो चलिए जी, कुल्फी ब्रेक समाप्त हो चुका है, अब यहाँ से निकलते हैं घर पे। पता नहीं ब्रेक ब्रेक करके कितने ब्रेक हो जाएंगे, लेकिन अब नहीं होगा। पता नहीं आपको कैमरे में कैसा दिख रहा है, बाकी व्यू अल्टीमेट। धूप बहुत ही ज्यादा है और छांव भी और ग्रीनरी भी, कॉम्बिनेशन इतना अच्छा लग रहा है और इतना शानदार रोड दिख रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल। फाइनली जी अपन अपने घर पे पहुंचने ही वाले हैं और सभी लोग अपने अपने घर पे प्रतिमाएं ले के जाते हुए, बड़ी प्रतिमा, छोटी प्रतिमा, और फाइनली पहुंच चुके हैं अपन अपने घर पे। फाइनली जी अपने गणपति बप्पा अपने घर पे आ चुके हैं। गणपति बप्पा, तो अभी स्वागत होगा, आरती उतारेंगे। पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। अभी साइड में रख देने का, अभी साइड है ना, 5 बजे शुभ मुहूर्त में करेंगे स्थापना। तो अभी साइड में रख दो, यहाँ डायरी पे रख दो बिट्टू। हाँ इधर डायरी पे आराम से रख दो, पीछे की फाटक बंद कर दो, बिल्ली आएगी तो प्रतिमा गिरेगी नहीं। हाँ यहाँ पे, फिर शाम को स्थापना करेंगे। तो फाइनली जी घर पे तो आ चुके हैं, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है, धूप बहुत ज़्यादा होती जैसा कि आपने देखा, और बड़ा ही मज़ा आया। और शाम को शुभ मुहूर्त में 5:30 बजे के लगभग अपन स्थापना करेंगे और आरती वगैरह करेंगे। तो अभी हो जाए गर्मा गर्म टी, क्योंकि टी टाइम हो चुका है और टी लवर यहाँ पे कॉलिंग पे बात करते हुए। तो लो जी, हमारी गर्मा गर्म चाय आ चुकी है और भाई कहाँ व्यस्त है वो तो आप सबको पता होगा। नहीं यार, तो अभी वो व्यस्त है, मतलब चाय को छोड़ दी और कहीं और बात कर रहा है, तो समझ जाओ कहाँ व्यस्त है। इंजॉय। लो जी, हमारी गणेश प्रतिमा स्थापना का टाइम हो चुका है और यहाँ पे लगाएंगे हम उनका आसन। तो सभी बच्चे आ चुके हैं, हमारी मोटी, हमारी छोटी, गैल वगैरह सब कुछ सब आ चुके हैं। तो अभी स्थापना करेंगे। अंदर भी एक बापू है। तो हमारा चुट्टू भी आ चुका है। चुट्टू कहाँ है? वो अंदर खेल रहा है। अंदर खेल रहा है, उससे खेलने दो, वो बहुत बदमाश है।
गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, मोरिया मोरिया। तो फाइनली जी अपने गणेश प्रतिमा की स्थापना हो चुकी है, गणपति बाप्पा की स्थापना हो चुकी है। गणपति बाप्पा मोरिया, मोरिया रे मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया। छोटा बेटी बहुत खुश हो रहा है, मजा आ गई बिट्टू। अरे मजा आ गई, मजा आई, मजा आई तेरे को। तो यहाँ पे सब बाहर आ चुके हैं, अभी आरती लेने का समय है और सबको अभी घर पे वापिस छोड़ के आ जाता हूँ। सबको मजा आया, मजा आया ना गोटी, मजा आया गोटी को तो बहुत आया। अरे बाबू बाबू, और ऐसे नीचे रख दो इसको, रोएगा बिट्टू। चलो सबको छोड़ आता हूँ, इधर ही खेलना, चलो। तो अभी मैं छोड़ने गया था उन सबको, तो सबको छोड़ के आ चुका हूँ, खाली गैल गोटी और नन्नू है यहाँ पे। तो आज का प्यारा सा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अब अभी 9 दिन तक गणेश जी की आरती वगैरह होगी, पूजा वगैरह होगी, तो सभी बच्चे उसमें सम्मिलित होंगे और ऐसा ही खुशी और उत्साह का माहौल रहेगा।